बक्सर की तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं CNB न्यूज। आपको रखे आगे आपका अपना। बक्सर के मुरार थाना क्षेत्र के कुरान सराय बगेन मार्ग पर गुरुवार की सुबह तेज रफ्तार ऑटो के अनियंत्रित होकर पलट जाने से उस पर सवार एक वृद्ध की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि मौजूद उसका पुत्र भी गंभीर रूप से घायल हो गया। इस बाबत मिली जानकारी के अनुसार नवानगर थाना क्षेत्र के खरवनिया निवासी सुरेश शाह 65 वर्ष बुधवार की शाम किसी रिश्तेदार की बारात में बिहार गए थे। गुरुवार की सुबह बारात से लौटने के दौरान रास्ते में कुछ सामान साथ ले जाने के लिए चौगाई उतर गए थे। दरअसल उनके छोटे पुत्र शत्रुघ्न शाह की आगामी 22 मई को तिलक तथा 26 मई को शादी होने वाली थी। वह अपने पुत्र शत्रुघ्न शाह के साथ शादी का कुछ सामान लेकर ऑटो से गाँव जा रहे थे, तभी अचानक कुरान सराय बगेन मार्ग पर बंजरिया और मुरार के बीच तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में वृद्ध सुरेश शाह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि साथ मौजूद उनका छोटा पुत्र इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। इस बीच ग्रामीणों से मिली सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, मुरार पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही जख्मी शत्रुघ्न के इलाज के लिए नवानगर PHC भेज दिया। इस दुर्घटना के बाद शादी ब्याह का माहौल खुशी से गम के माहौल में तब्दील हो गया। गए थे हम लोग, गए थे बारात, उधर से रिटर्न हुआ, आते हुए गाड़ी पलटी कर गई। कहाँ पे पलटी? मुरार से आगे दोनों। क्या अपने आप पलट गई या कोई? नहीं, गाड़ी अपने आप ही टर्न से पलट गई, अनबैलेंस हो गई। ये कौन थे? ये हमारे पिताजी थे। क्या नाम है? सुरेश था। घर कहाँ है? खरवनिया। आप भी साथ में थे? आप भी छुट्टी हुए? क्या नाम है आपका? सतवर कुमार। बक्सर की तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं CNB न्यूज। आपको रखे आगे।